आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी, आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है वंजारपट्टी नाका यानी नदी नाके के एक ऑफिस में, जहां आज उसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ है, और वो ऑफिस है समाजवादी पार्टी की। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो नेता की जिन्होंने अभी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी में प्रवेश किया है। क्यों कर उन्होंने समाजवादी को चाहा, क्यों कर उन्होंने समाजवादी में शामिल हुआ, क्या उन्होंने समाजवादी की कौन सी ऐसी बातें उन्हें पसंद आई है या कौन से ऐसे नेता को पसंद आए उन्हें, आज उन्हीं से बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमीद शेख साहब की। जी हाँ, हमीद शेख साहब, वही हमीद शेख साहब जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भरपूर मत हासिल किए थे और जीतने की कगार पे थे, लेकिन चंद वोटों की वजह से उन्हें कामयाबी का जो है वो सहरा नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार उनकी जो जोश और खरोश है वो पूरे मोहल्ले में हमने देखा है कि उन्हीं का नाम का डंका बज रहा है, और उन्होंने समाजवादी में प्रवेश करते हुए क्या कुछ चाहा और क्या कुछ चाहेंगे आने वाले दिनों में, हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हमीद शेख साहब से। अमित शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अमित शेख साहब, ये बताइए कि आज समाजवादी पार्टी में आपने प्रवेश किया और अबू हसन साहब ने आपको प्रवेशनामा भी दिया है, क्या कुछ सोचा आपने समाजवादी के लिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल से हमारी भिवंडी के जनता को ये बताना चाहता हूँ, क्या इसके पहले भी बहुत सारे आमदार दोनों ईस्ट या वेस्ट में आमदार चुन के आए थे, और हम लोग चाहते हैं क्या भिवंडी का विकास हो। भिवंडी में बहुत सारी समस्या है, जो IGM हॉस्पिटल हो गया, जो रास्ते का काम हो गया, रास्ते की हालत ख़राब है, पानी का मसला है, और जो ट्रैफिक का मामला है भिवंडी में, वो बहुत सारी मतलब उसके वजह से हर जनता को, हर पब्लिक को वो परेशानी हो जाती है। और इतने दिन के बाद में आज भिवंडी में एक रईस शेख जो हसीम भाई के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिन्होंने गेवंडी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, और हसीम भाई की जो पार्टी है समाजवादी, जो महा विकास आघाड़ी के साथ में है, और रईस भाई जो काम कर रहे हैं शहर में, और हम जनता यही चाहती कि ऐसे ही काम होना चाहिए ताकि भिवंडी डेवलपमेंट हो जाए। और हमने पूरे शहर में जो हमारे तालुकात के मेरे दोस्त थे, जो हमको चाहने वाले हमारे वार्ड की पब्लिक थी, हम सबसे राय मशवरा करने के बाद में और ये डिसीज़न लिया कि आज अपने को शहर में जो रईस भाई काम कर रहे हैं ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए, ताकि भिवंडी का विकास हो, और उनको लेके हम लोग हमारा वार्ड का और जो भिवंडी का विकास और करने में सहयोग दे। बिल्कुल, रईस शेख जो हमारे भिवंडी के आमदार भी हैं, उनके काम को देखते हुए हमीद शेख साहब ने प्रवेश किया है समाजवादी पार्टी में, उसी तरीके से वो भी काम करना चाहते हैं। लेकिन हमसे आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि पिछली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा था तब आपकी छवि में कोई ऐसा दाग नहीं था, लेकिन इस बार जो है आपकी छवि पर ऐसा कुछ दाग लगने की आशंका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दाग जो आप दाग लगने की बात कर रहे हैं, मैंने जो इलेक्शन लड़ा था भिवंडी में, जिनके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ा था वही मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट किया है। पूरे शहर में 5 पुलिस स्टेशन है, वो पूरे 5 पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ़ NCB नहीं है, कोई NCB नहीं, सिर्फ मैं जो लोगों के खिलाफ़ इलेक्शन लड़ा था उन्होंने मेरे खिलाफ़ जो कुछ FIR किए, जो झूठ थे या क्या थे, वो तो अदालत में जो है साबित होने वाला है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, और जिन्होंने जो मेरे ऊपर केस किए वो भी कोई तड़ीपार है, कोई कैसा है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस है। मेरे पास तो ये सब 18-18 दो-दो साल के केसेस लगाए गए, और मैं कोर्ट से मुझे उसके जामीन मिली है वो केस में। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब कोर्ट ये साबित करेगी कि हमीद शेख साहब के पास जो ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमीद शेख साहब से हम ये बोलेंगे कि अब जो है आने वाले दिनों में आप किन किन मुद्दों के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे? भाई पहली बात तो देखो, पार्टी ने अगर मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा शहर में मुद्दा यही रहेगा, जो रास्ते का मामले है, रास्ते जो भिवंडी के रास्ते की हालात है, करप्शन है, उसके बाद में शहर में पानी, लोगों को पानी का मसला है, और बहुत सारे बिजली का तो है ही है, टोरेंट के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, लोग परेशान हैं, गटर कचरा
मतलब भिवंडी कई सालों से जो है वही हालात में, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वार्ड के मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? वार्ड मेरे वार्ड में 20 साल से कई जो नगर से जीत के आ रहे हैं, लेकिन वार्ड में आज तक 20 साल में जो वार्ड था वही वार्ड है, और जो हालात है हर मैंने देखा कुछ दिग्गज नगर सेवक उनके वार्ड में RCC रोड बन गए, RCC ऐसे छोटे छोटे एरिया में, स्लम एरिया में RCC रोड बन गए सब कुछ, लेकिन हमारे वार्ड में कुछ नहीं है। जहाँ कचरा पड़ा है वही है, RCC रोड का पता नहीं है, कोई नगर सेवक तो यहाँ पे दिखता ही नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं। खाली 4-4.5 साल के बाद में जो जब इलेक्शन आता है तभी वो चमकते हैं। बाकी हमारा मकसद यही है कि जो स्कूल को लेके हमारे वार्ड में जो स्कूल है, आज बच्चों को उधर बैठने के लिए जगह नहीं है, टीचरों को टॉयलेट के लिए या बच्चों को पेशाब के लिए जगह नहीं है, बोर्ड नहीं है स्कूल में, पंखे नहीं है, जो हालात हमारे वार्ड में है वो काफ़ी है। और मेरे वार्ड की पब्लिक जो है वो सब चीज़ से बहुत परेशान हो गई है। देखते अगर पब्लिक ने चाहा और पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया और पार्टी ने बोला लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। नहीं, सबसे ये तो बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक तो आपको चाह ही रही है, इसीलिए आज आपके जो इनॉग्रेशन था वहाँ पे हमें देखने को मिला, जो भीड़ देखने को मिली वो शायद किसी ऑफिस में देखने को हमें मिलती। लेकिन आने वाले दिनों में आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम आप वार्ड में क्या करेंगे? सबसे पहला वार्ड में काम हमारा ये रहेगा कि जो स्कूल है, जो बच्चे लोग हमारे वार्ड के जो स्कूल में जाते हैं उनकी हालत जो है, आप कभी स्कूल का दौरा करेंगे या कहीं गए रहेंगे स्कूल में एक बार तो जाके देखिए क्या। अगर ये स्कूल अच्छी रहती तो हमारे मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं ज़्यादा करके तो भीम भरने वाले, गैरेज वाले, वो जो हालात है, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी माँ बहनें लोगों घर में काम करते हैं, तो इनके पास इतना सारा पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए। स्कूल भिवंडी के कॉरपोरेशन के जितने स्कूल हैं हम लोग उसके ऊपर जो काम करेंगे, क्या हम कहीं स्लम एरिया के बच्चों को कोई प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूर न पड़े। और दूसरी बात है, जो पानी का मामला है, गटर का मामला है, रास्ते का मामला है, बहुत सारे मामले हैं जो मतलब आगे चल के उसी के बारे में लड़ाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात हमेशा आपसे साहब ने कही है कि इनके विचार, उनकी सोच जो है वो एजुकेशन पर है, और एजुकेशन आज जो है कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन अगर रहेगा तो कौम की जो है तरबियत भी होगी, वो कौम आगे भी जाएगी, वो कौम पढ़ी लिखी रहेगी तो आगे चल के वो काम भी करेगी। तो ये थे हमारे साथ हामिद शेख साहब, हम देखते रहेंगे भिवंडी समय न्यूज़। मैं अपने कैमरामैन फ़ख्र आलम के साथ में सुल्तान कुरैशी।